जहां पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये सभी लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद जब हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिरा उस वक्त की ये तस्वीरें, पायलट समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके चलते ये हादसा हुआ। अजय जांडियाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या वजह रही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की? देखिए रजा, अभी इस चीज का ये पता नहीं चल पाया है कि वजह क्या रही, मगर ये अभी तक की सिर्फ ये सूचना मिल पाई है कि हेलीकॉप्टर जो है ये जैसे ही पैसेंजर्स को लेकर जो वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं उनको लेकर निकला है, उसी दौरान किसी वजह से ये जो है अटैक हुआ है कि ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये चॉपर जो है जमीन पे आके आ गिरा। और जो उसी समय वहां पर, चूंकि बिल्कुल कटरा मेन टाउन है, वहां पर अफरा तफरी मच गई और आग, जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हुआ है उसके बाद आग लग गई और जितने भी पैसेंजर जो सवार थे इंक्लूडिंग जो जो पायलट है वो बिल्कुल जो है उसमें भस्म हो गई कहा जा सकता है। और उसी के बाद वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज हैं, पुलिस और श्राइन बोर्ड के अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहां पे पहुंचे और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर तब तक ये कहा जा सकता है कि देर हो चुकी थी, हाइट से चौपर जो है नीचे गिरा था। लेकिन अजय, इस तरह का हादसा हो जाना तो बहुत बड़ी चूक है। फिलहाल सुरक्षा अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर? जम्मू के कटरा में हुआ है हेलीकॉप्टर हादसा, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भयावह तस्वीरें, क्योंकि ये सभी लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पायलट समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे और उसी वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिरा और 6 लोगों की इसमें जान चली गई।